Hello students, we are coming back to our previous chapter called What is Democracy? Why Democracy? This is the first chapter of class 9, Political Science. In the previous class, we did our definition, a basic definition of what is democracy. Now, let us see in detail what are the features of democracy. So, you have to answer me one question. What do you mean by features? How are they different from characteristics? Features are basically you buy a telephone or mobile phone, you ask भाई इसके features कैसे हैं आप बताइए. तो इसको हम living and non-living के साथ थोड़ा सा compare कर सकते हैं. तो features basically non-living चीज़ों के होते हैं. तो democracy अपने आप में concept है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम सिर्फ feel कर सकते हैं. So here we are coming to the features of democracy की इस definition के अलावा और उसमें क्या क्या है जो हमें पता होना चाहिए, जो हम महसूस करते हैं और जिसको हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. तो पहले तो उसके हम फीचर्स देखते हैं और फिर उसके बाद हम केस स्टडीज़ करेंगे उन फीचर्स पे बेस्ड डिफरेंट कंट्रीज़ की. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव अराउंड द वर्ल्ड. आई मीन टू से दैट आप इस क्लास में बैठ के भी पूरा वर्ल्ड को एक चक्कर लगा सकते हैं समझने के लिए कि उन देशों में काम कैसे चलता है, वो देश कैसे फंक्शन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एनसीईआरटी के इस लेसन में हमें फोर बेसिक फीचर्स बताए गए हैं डेमोक्रेसी के. तो पहला जो फीचर है वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. मींस जो भी हमारे मेजर डिसीजंस होते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है वो ही लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने उन पर ट्रस्ट किया है एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स और हमारे बिहाफ पे वो हमारे लिए ही डिसीजंस लेते हैं और वो हमारे वेलफेयर के लिए ही होते हैं और होने भी चाहिए. और मान लीजिए हमने किसी को इलेक्ट किया और उसने ऐसा नहीं किया, फाइन, और वो डिसीजंस को मनमाने तौर पे ले रहा है, ना वो हमसे डिस्कस करता है ना वो हमारा वेलफेयर सोचता है, तो क्या हम ऐसी कंट्रीज़ को ट्रूली डेमोक्रेटिक कहेंगे? तो नहीं, वो ट्रूली डेमोक्रेटिक तो नहीं होंगी, वो फेक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो सकती हैं. इसको हम डिफरेंट केस स्टडीज़ में करेंगे. पहले मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक केस स्टडी बताऊँगी. ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. इसका मतलब जैसे कि इलेक्शन तो होने ही हैं और उन इलेक्शंस में हमने किसको विन करना है, किसको वोट करना है, जो हमारा कैंडिडेट हो. ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी माल प्रैक्टिस करके इलेक्शंस को जीत जाए. ओके, और इलेक्शन को वो जीत लेगा तो फिर वो क्या काम करेगा? वो फिर बैड डिसीजंस ही लेगा. तो कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं, बट उनका बेसिक फंडामेंटल इज़ दिस, दे शुड बी फ्री. फ्री मतलब एनीबडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन एज वेल. डू यू नो दिस, इन आर कंट्री वी एनी वन ऑफ अस कैन कंटेस्ट द इलेक्शन. Despite of that, there are basic conditions. We should be 25 years above and we should be citizen of our country and we should be sane, right? So in these three parameters, we can contest election. So there is even no educational qualification and even no experiences required for that. So basic fundamental is that free. This is free for all. Means anybody can contest election. Voting ke liye to we all have right. But to contest election also, we have freedom. And what about fair? फेयर मीन्स देर शुड नॉट बी मैल प्रैक्टिस. आप किसी को डरा धमका के उससे वोट नहीं लेंगे, करेक्ट? और कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी गेम प्ले नहीं करेगी, झूठी या करप्टेड, कोई भी ऐसी एक्शन नहीं करेगी जिससे वो जो इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रही है उसका ट्रू वैल्यू ना रहे. तो वो कंट्रीज जिनमें इलेक्शंस होते हैं उन सब में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत फेयर हों या फ्री हों. तो अभी हम एज आई टोल्ड यू आई विल शेयर द केस स्टडीज़ विद यू. सो सेकेंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. थर्ड लिखिए 1 person 1 vote. एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव वन राइट टू, 1 person शुड हैव राइट टू 1 vote. मीन्स देर शुड नॉट बी लाइक दिस कि हम किसी को मतलब जेंडर वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ कि मेल्स हैव मोर वैल्यू ऑफ द वोट एज कम्पेयर टू द फीमेल, या एक्स ग्रुप हैज मोर वैल्यू ऑफ द वोट एज कम्पेयर टू द वाई. ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट, रेस, क्लास, रिच, पुअर, एनी वन शुड हैव 1 vote 1 value. उसकी वोट की वैल्यू सबकी समान होनी चाहिए. एक रिक्शा वाले की और एक प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू सेम ही होगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा. लेकिन हम और कंट्रीज़ में भी जाएंगे और देखेंगे क्या वहाँ पर ऐसा है और फिर कंपेयर करेंगे क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं. लास्ट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स.
यानी कि जो भी इलेक्ट हो के आए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसको फॉलो करें. मीन्स उसमें जो लिखा है द रूलर हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंगली, मीन्स उसकी मनमानी नहीं होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बुक की, क्योंकि उसके अंदर जो लॉज बनाए गए हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं. तो कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा एक्शन ना हो जिसमें एक ग्रुप को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है और दूसरे ग्रुप को नहीं दिया जा रहा, ठीक है. तो उनके राइट्स की, सबके राइट्स की रक्षा करने की जिम्मेवारी उस रूलर की होती है, उसको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना होता है. तो अगर वो ये सब हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो हम उसको ये कहेंगे येस दे दिस कंट्री इज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक. तो इसमें भी हम एक केस स्टडी देखने जा रहे हैं और कंपेयर करेंगे कि क्या इस कंट्री में एक्चुअली ये हो रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद इन सारी कंट्रीज़ का कंपैरिजन हम अपनी कंट्री इंडिया से करेंगे और फिर देखेंगे कितना फिट इंडिया होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है. सो आई होप यू हैव रिटन ऑल दीज फोर फीचर्स सिद. अभी मैं इसका केस स्टडी स्टार्ट करती हूँ. तो इस क्लास में आई थिंक आई कैन डू ओनली वन और मैक्सिमम टू केस स्टडीज. तो इस फीचर को समझने के लिए पाकिस्तान थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिजिकली नहीं लेकिन समझ के आते हैं भाई पाकिस्तान में क्या ये वाला पॉइंट फिट होता है डेमोक्रेसी का. उसके बाद मन ही मन में हम अपना कंट्री का भी कंपेयर करेंगे. ओके, सो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान. सो वी ऑल नो दैट पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस विद इंडिया ओनली, ठीक है. एक ही दिन का फ़र्क था, 14 अगस्त 1947 एंड 15 अगस्त 1947. फाइन, तो अभी क्या है ये अगर हम इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो चार बारी, हाउ मेनी टाइम्स, फोर टाइम्स पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आ चुकी है. ओके, तो जो लास्ट डिक्टेटर हुए हम यहाँ उनके बारे में समझेंगे और उन्होंने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. सो इनके जो लास्ट डिक्टेटर थे उनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, करेक्ट. और अक्टूबर 1999 में ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो मिलिट्री के हेड थे तो उन्होंने जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने अपने आप को ही उस कंट्री का प्रेसिडेंट बना लिया, ठीक है. और 2002 में, तो ये इस काम को करते करते सेटल करते करते तो 2002 में उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम निकाला. रेफरेंडम का मतलब होता है टू आस्क वेदर द, जिसका भी रेफरेंडम कहीं भी करा सकते हैं, तो इसका आंसर हमेशा येस और नो में होता है. तो उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम पास कराया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों से पूछा क्या मैं 5 ईयर्स तक के लिए अपना आपको एक्सटेंड कर लूँ. सो रेफरेंडम भी फेक था, तो उसमें ऑटोमेटिकली उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो उनके फेवर में जा रहा था और ही कॉन्टिन्यूड टू रूल पाकिस्तान अहेड फॉर 5 ईयर्स. एंड आफ्टर दैट वट ही कुड डू एनीथिंग. अभी तो वो प्रेजिडेंट बन गए, उनके हाथ में पावर आ गई है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं. तो उन्होंने उसको करते करते एक उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाला और उसके अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो अपने हाथ में ले ली, ठीक है. और अपने हाथ में लेने से तो जो सिविल कैबिनेट था, मींस इससे पहले जो लोग इलेक्टेड थे उनके ऊपर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लगा दिया. मींस अब वो जो भी काम करेंगे तो उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दिखा के करना पड़ेगा और उसके हेड तो वो खुद ही थे क्योंकि वो मिलिट्री रूलर थे. तो अब आप मुझे ये बताइए इस पूरी केस स्टडी को सुनने के बाद, तो क्या पाकिस्तान में डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं जो इलेक्ट हुए थे? नहीं. कौन ले रहा है? दूसरा कोई. पहली बात तो उसको इलेक्ट नहीं किया था, उसने ज़बरदस्ती रेफरेंडम से अपने आप को कंटिन्यू करवा लिया और उसके बाद वो डिसीजंस नहीं ले रहा है लोगों के फेवर में और अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इतना आसान नहीं है. अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो बहुत डिटेल में आपको पता चलेगा इट्स नॉट इवन ईजी टू मूव इवन अ सिंगल लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स एक्चुअली ह्यूज टास्क, बट ही डिड हिमसेल्फ. सो सच कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शन डज नॉट मीन दैट दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक, राइट. सो इसको पढ़ने के बाद हम क्या है कहेंगे, इन अ डेमोक्रेसी दैट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, नॉट इन दोज हैंड्स विच आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, राइट. तो इसको हम यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद अदर 3 केस स्टडीज. थैंक यू.